दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी 56 न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए सही मायने में फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। लेकिन आज के समय फ्रांस पावर आउटेज की खतरे से जूझ रहा है। देखिए, विंटर्स के चलते फ्रांस में पावर डिमांड अपने पीक पर है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते फ्रांस में नेचुरल गैस की भी कमी है, और फ्रांस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओल्ड और एजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और आज के समय इन रिएक्टर्स के कनेक्टिंग पाइप्स में करोजन का इशू आ रहा है, और इसीलिए फ्रांस को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इन्हें शटडाउन करना पड़ रहा है। लेकिन फ्रांस के पास इन रिएक्टर्स को रिपेयर करने के लिए मैन पावर नहीं है, एंड इसीलिए फ्रांस इन रिएक्टर्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस को हाई नंबर्स में रिक्रूट कर रहा है।